नोट नोट लोग लिखेंगे, ठीक है ना। कर्ल क्रॉस एफ, कर्ल क्रॉस एफ, ठीक है ना। कैसे? तो कर्ल का वैल्यू हमें पता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के, है ना। और यहाँ करना है क्रॉस, क्या करना है क्रॉस। और एफ का वैल्यू हमें पता है, एफ का वैल्यू क्या बताओ। एफ का वैल्यू है एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के। एफ एक्स आई लिखते हैं, एफ एक्स आई प्लस यहाँ लिख लेते हैं, क्रॉस करके हैं, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, ठीक है ना। एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, है ना यार। तो हम लोग को निकालना था कर्ल क्रॉस एफ। तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे, समझा, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में कर देते हैं ना, आई के, ठीक है ना। आई अब यहाँ देखो, आई का कोफिशिएंट क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स। जे कोफिशिएंट क्या है, डेल अपॉन डेल वाई। के कोफिशिएंट क्या है, डेल अपॉन डेल जेड, है ना। अच्छा, क्रॉस एफ हमने किया है, तो एफ के लिए हम लोग लिखेंगे आई कोफिशिएंट एफ एक्स, ठीक है ना। उसी तरह से जे का कोफिशिएंट एफ वाई, उसी तरह से के कोफिशिएंट एफ जेड, है ना। हमारे पास आ गया कर्ल क्रॉस एफ का वैल्यू, कर्ल क्रॉस एफ का वैल्यू, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ जो कर्ल है, कर्ल का वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। और एफ का वैल्यू हमने आई जे के फॉर्म में रख लिया, जिस तरह हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ते थे आई जे के। तो यहाँ लिखेंगे प्लस, हो गया माइनस और प्लस, ऐसे ऑपरेट करेंगे। तो आई का कोफिशियंट डेल अपॉन डेल एक्स, जे कोफिशियंट डेल अपॉन डेल वाई, के का कोएफिशिएंट डेल अपॉन डेल जेड। उसी तरह फोर्स का हमने यहाँ रख दिया। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं ना। यहाँ लिखेंगे इफ इफ कर्ल क्रॉस एफ, कर्ल क्रॉस एफ इजिकल टू जीरो, कर्ल क्रॉस एफ इजिकल टू जीरो, देन फोर्स विल बी कंजर्वेटिव, देन फोर्स विल बी कंजर्वेटिव, है ना। उसी तरह से इफ कर्ल क्रॉस एफ नॉट इजकल टू जीरो, देन फोर्स विल बी नॉट कंजर्वेटिव, विल बी नॉट कंजर्वेटिव, ठीक है ना। तो यदि कर्ल क्रॉस एफ जीरो आ जाए तो कंजर्वेटिव होगा, कर्ल क्रॉस एफ जीरो नहीं आता है तो नॉन कंजर्वेटिव। ऐसे इस पर एक क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन हमारे पास, इफ एफ इजकल टू, एफ इजकल टू वाई आई प्लस एक्स जे, वाई आई प्लस एक्स जे, चेक फेदर फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स इसमें कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव होगा, यह हमको दिखाना है।
ना, कैसे करते हैं इसको देखो। बहुत सिंपल है, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो ठीक है, तो हमें लिखेंगे कर्ल क्रॉस एफ ठीक है ना, तो हो गया आई जे और के। ठीक है, तो अब हम यहां लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि एक्स आई का कोफिशियंट फोर्स में दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं। आई कोफिशियंट दिया हुआ वाई, आई कोफिशियंट दिया है वाई, और जे कोफिशियंट दिया है एक्स, और जे के तो उसमें है नहीं, जेड तो जेड डायरेक्शन में है नहीं, के का कोफिशियंट वहां जीरो ले लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में ऑपरेट कर देते हैं, प्लस तो यहाँ आई लिखेंगे, आई के सामने को बोल दिया, तो एलेन चीजें याद है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल अपॉन डेल वाई इंटू जीरो, डेल अपॉन डेल वाई इंटू जीरो, और माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू एक्स, ये हो जाएगा, और माइनस जे, इसको हटा दो, इसको भूल जाओ, इसको हटा दो, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होने वाला है। देखो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू जीरो, और माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, डेल अपॉन डेल जेड इंटू वाई। ठीक है ना, अब प्लस यहाँ हटा दो, यहाँ लिखते हैं प्लस के, ठीक है ना, प्लस के, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, और इसको करो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, और फिर इसको माइनस डेल वाई अपॉन डेल वाई, यही आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये तो जीरो हो जाएगा, आई जीरो, और यहाँ जेड के रिस्पेक्ट को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स तो कॉन्स्टेंट होगा, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वही वेरिएबल होता है। पिछले क्लास में बताया था, तो एक्स तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस जे, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ भी जेड के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई, तो वाई के लिए डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, वाई तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, प्लस के, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स वन हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल वाई वन, यानी हम यहाँ लिख के देखते हैं ना क्या, तो आ जाएगा जीरो माइनस जीरो तो जीरो, प्लस माइनस, सॉरी जीरो माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा, और के वन माइनस वन जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये क्या आता है जीरो, यानी कर्ल क्रॉस एफ जीरो आ गया, तो फोर्स एफ इज कंजर्वेटिव लिख सकते हैं, एक कंजर्वेटिव होगा। हमने भी बताया था कंजर्वेटिव के लिए कि कर्ल क्रॉस एफ जीरो हो जाए तो कंजर्वेटिव होगा, यानी ये जो फोर्स दिया था, ये जो फोर्स क्वेश्चन में दिया था और पूछा था कि कंजर्वेटिव होगा नॉन कंजर्वेटिव होगा, तुम क्या कहेंगे कंजर्वेटिव, इसको अपलोड कर लो, है ना, फिर आगे की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है एफ इजकल टू ए वाई इंटू आई, इफ एफ इजकल टू ए वाई इंटू आई प्लस बी एक्स इंटू जेड, बी एक्स इंटू जे, सॉरी जेड नहीं जे ना, इज इट कंजर्वेटिव फोर्स, इज इट कंजर्वेटिव फोर्स, पूछ रहा है कि क्या है कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है ना, कैसे करेंगे, जैसे हमने बताया था अभी, कर्ल क्रॉस एफ
इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ आई रख लेते हैं, डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ जे रख लेते हैं, और डेल अपॉन डेल जेड यहाँ के रख लेते हैं ना। तो यहाँ देखो, यहाँ आई का कोफिशियंट है ए वाई, यहाँ रखेंगे ए वाई, जे का कोफिशियंट है बी एक्स, तो बी एक्स, के का कोफिशियंट है जीरो टू जीरो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस सामने को हटा दो, इसको मल्टीप्लाई करो, डेल अपॉन डेल वाई जीरो माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, डेल अपॉन डेल जेड और हो जाएगा बी एक्स, है ना, ये आ गया। उसी तरह माइनस जे, इसको हटा दे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू जीरो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस डेल अपॉन डेल जेड ए वाई, ठीक है ना। अब प्लस के, के इसके सामने को हटाओ, इसको हटाओ, इसको लिख डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू बी एक्स, और माइनस डेल अपॉन डेल वाई, सॉरी वाई इंटू बी वाई, नहीं दिया हुआ, ये वाई है, डेल अपॉन डेल वाई इंटू बी वाई, तो ए हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं, पहले इसके स्क्रीन शॉट ले लो, फिर देखते हैं। इसको हटाते हैं, इसी पेज पे लिखते हैं, ठीक है, इसी को यहाँ लिखते हैं, इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई, और यहाँ ए भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस जीरो, क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ देखो ये तो जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और एक्स का फंक्शन दिया है, एक्स तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस जे, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ए वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, प्लस के, यहां देखो यहां तो बी बाहर हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, और माइनस यहाँ सॉरी बी है, यहाँ ए है, सॉरी ए वाई है, ए वाई वाई, इसको ए वाई कर लेंगे, तो यहाँ ए कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो ए टर्म तो जीरो हो जाएगा, ए भी टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या है इसमें, के, के है ना, और ये हो जाएगा बी, डेल एक्स बाई डेल एक्स तो वन हो जाएगा, डेल वाई वन, तो बी माइनस, इसको फिर से लिख लेते हैं भाई, के बी माइनस ए, तो ये आ गया डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ का वैल्यू, तो ये तो जीरो नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं दैट इज डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ नॉट इक्वल टू जीरो, देन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इस केस में फोर्स क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि डेल कर्ल एफ, कर्ल क्रॉस एफ का वैल्यू जीरो नहीं आया, इसका वैल्यू कुछ आ रहा है, तो इसको नोट कर लो,
ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। सेकंड में पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोसेसेज बाय बाय एन ऑब्जेक्ट, पोसेसेज बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन, ड्यू टू इट्स पोजिशन, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा किसी पार्टिकल के पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगा वही कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जैसे हम यहां लिखेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू होगा माइनस ऑफ कर्ल यू। ये पोटेंशियल एनर्जी, यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी, यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो रिलेशन ध्यान रखना, ठीक है। वेयर एफ सी इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, यू इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। चलो इसके स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। लिखेंगे एफ एक्स, अभी हमने लिखा एफ इजकल टू एफ सी इजकल टू कंजर्वेटिव फोर्स इजकल टू कर्ल यू, हमने लिखा कर्ल यू। एफ को हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स आई, फोर्स को एफ एक्स आई, ठीक है ना, प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। इधर हम लिख सकते हैं जिसे हमने यहां दिखाया है, हम लिखा है देखो निगेटिव ऑफ कर लिव, है ना। तो कर लिव का मतलब हो गया, यहां लिख लेते हैं माइनस तो रह करेगा डेल अपॉन डेल एक्स आई कर्ल का वैल्यू, है ना, प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और इसको लिखते हैं यू, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसको एक साथ लिखें, तो लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स आई, फिर माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई जे
माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल जेड के, है ना। और ये हो गया एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के। अब यहां देखो, यहां क्या होगा, आई कोफिशियंट को आई कोफिशियंट से हम लोग केवल कंपेयर करेंगे, तो एफ एक्स आ जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। उसी तरह से एफ वाई जो आ जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, उसी तरह से एफ जेड जो आ जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड, है ना। तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड का वैल्यू ये आ जाएगा, इसका ध्यान रखना। चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, हमने सेपरेट कर लिया इसको, ठीक है, गुड। क्या लिखेंगे, व्हेन फोर्स इज वन डायमेंशनल, व्हेन फोर्स इज वन डायमेंशनल, फोर्स जब केवल वन डायमेंशनल होगा तो एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, है ना। उसी तरह से एफ एक्स के लिए हम लोग बात करें, वाई के लिए वही माइनस डी यू अपॉन डी वाई हो जाएगा, और जेड के लिए हो जाएगा डी अपॉन डी जेड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एफ सी इक्वल टू डी यू अपॉन डी आर, ये हो सकता डी अपॉन डी, ठीक है। तो इसको भाई एक बार नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, फाइंड फाइंड एफ सी एट पॉइंट वन टू और थ्री पर, ठीक है ना। इसको कैसे करते हैं, देखो हम लोग क्या करेंगे, एफ सी इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, चाहे एफ एक्स लिख लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, एफ एक्स का फॉर्मूला भी देखें, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, यू का वैल्यू हमने यहाँ रखना है एक्स स्क्वायर वाई जेड, है ना। तो देखो वाई और जेड तो कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस तो रहेगा वाई जेड को, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा, तो माइनस टू एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो एफ एक्स हमें पता हो गया, उसी तरह से एफ वाई पता करना हो तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई लिखेंगे, तो माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है ना। तो हमारे पास जो आएगा ये हो जाएगा माइनस, है ना, और एक्स स्क्वायर वाई को बाहर हो जाएगा, तो डेल नहीं एक्स स्क्वायर जेड बाहर होगा, जेड कॉन्स्टेंट है ना, एक्स स्क्वायर जेड, और डेल वाई अपॉन डेल वाई, तो ये तो डेल वाई अपॉन डेल वाई वन हो जाएगा, तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर जेड, तो एफ वाई भी हमको पता हो गया। सिमिलरली एफ जेड निकाले तो माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड, तो माइनस डेल अपॉन डेल जेड, और यू का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स और वाई तो कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई डेल जेड अपॉन डेल जेड, डेल जेड अपॉन डेल जेड, है ना।
तो डेल जेड अपॉन डेल जेड का तो वैल्यू वन हो जाएगा, यानी यहाँ जो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई आएगा ना। तो एफ जेड भी हमको पता हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं, ना लिखते हैं एफ सी का वैल्यू, एफ सी का वैल्यू लिखेंगे माइनस ऑफ, जैसे लिख लेते हैं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, यही होगा। तो यहाँ हमने एफ एक्स निकाले हुए, एफ एक्स क्या आया है माइनस टू एक्स वाई जेड, माइनस टू एक्स वाई जेड इंटू आई। एफ वाई हमने निकाला है माइनस एक्स स्क्वायर जेड, तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड इंटू जे। और एफ जेड भी हमने निकाला है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई के। तो इस तरह से एफ सी हमको निकल जाए, एफ सी हमको निकल जाए ना। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आए क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नोट में लिखते हैं। वी हैव एफ सी इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, रिलेशन अभी हमने बताया एफ सी इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो यहां से हम डी यू लिखना चाहें इसको मल्टीप्लाई करें माइनस एफ सी इंटू डी आर, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ माइनस और एफ सी को लिख सकते हैं, लेकिन अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको यू आ जाएगा। यू इक्वल टू माइनस एफ सी को लिख सकते हैं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ठीक है ना। और डी आर को लिख सकते हैं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ठीक है ना। तो माइनस एफ एक्स और डी एक्स, आई को आई से मल्टीप्लाई करना हो, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स डी एक्स। और माइनस हमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जाएगा, एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड, ये हो जाएगा यू का वैल्यू, यू का वैल्यू। अब हम चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू जेड वन जेड टू, रिलेशन आता है। ठीक है ना, यार हम लिख सकते हैं, चाहे इसको भी हम ऐसे कर ले थोड़ा आसान हो जाएगा, यहाँ यू नॉट कर ले और यहाँ यू कर ले, यहाँ भी यू नॉट यहाँ भी, ठीक है। तो ये कुछ अलग काम आ जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं यू माइनस यू नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको सुधार कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यू माइनस यू नॉट इक्वल टू इतना, ठीक है। यू नॉट क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यू नॉट क्या है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है एट एक्स वन वाई वन जेड वन पर, और यू क्या है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है एट एक्स टू वाई टू जेड टू पर, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे देखो। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो फिर बात कर। यू नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन, उसी तरह यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट
एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जेड, एक्स आई प्लस वाई, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट, एट पॉइंट 2.4 इफ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट ओरिजिन, पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट ओरिजिन, ठीक है ना। चलो कैच करते हैं, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। एट पॉइंट 2.4, ठीक है ना। चलो यहाँ क्या है, हम जानते हैं अभी पढ़े, यू इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स और माइनस एफ वाई डी वाई, अभी हमने बताया। तो यहाँ जो है x कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ, x dx, देखो अभी इक्वेशन में ही है, i कोएफिशिएंट x है, तो fx की जगह x और fy की जगह y, x dx कहाँ से कहाँ तक, तो ये हो जाएगा यहाँ तो ओरिजिन रहता है ओरिजिन टू टू माइनस fy का मतलब y dy माइनस जीरो टू फोर है ना, जीरो टू फोर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो टू टू माइनस या माइनस वाई स्क्वायर बाय टू जीरो टू फोर, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन बाय टू, एक्स की जगह पर टू रख लेते हैं माइनस जीरो का स्क्वायर, और हो जाएगा माइनस वाई बाई टू, वाई की जगह पर फोर को रख लेते हैं माइनस जीरो का स्क्वायर, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की ओर की है, तो यहाँ क्या है वन बाई टू और टू का स्क्वायर जो है फोर हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस वन बाई टू और यहाँ फोर का स्क्वायर जो है सिक्सटीन हो जाए, तो टू माइनस एट, ठीक है ना, टू माइनस तो हो जाएगा माइनस सिक्स जूल, सॉरी हम माइनस है भाई, तो माइनस टेन हो जाएगा, माइनस टेन जूल, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन है, यू इज इक्वल टू टेन साइन एक्स प्लस वाई, देन फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स, देन फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स एट पॉइंट, एट पॉइंट 0.π/4, ठीक है ना। हमको निकालना है, हमको पोटेंशियल एनर्जी दिया है, कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है कहाँ किस पॉइंट पर, 0π/4। हम यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, तो माइनस डेल अपॉन डेल एक्स। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, सर यू यहाँ रहे डेल यू, यू का वैल्यू हमने लिखना है टेन साइन एक्स प्लस वाई, तो हो जाएगा माइनस टेन, और साइन का हो जाएगा कॉस,
डिफरेंशिएशन एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका वैल्यू वन है, इसका वैल्यू जीरो, तो वन प्लस जीरो वन, क्यों? क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई तो कॉन्स्टेंट है, बोलो, तो इसका तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन एफ वाई निकालेंगे। एफ वाई निकालते हैं, एफ वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो माइनस डेल अपॉन डेल वाई साइन टेन, टेन साइन एक्स प्लस वाई, तो एक कॉन्स्टेंट टर्म तो बढ़ जाएगा, माइनस टेन डेल अपॉन डेल वाई साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन का हो जाएगा कॉस, और एक्स का तो जीरो हो जाएगा, और वाई का डेल वाई अपॉन डेल वाई तो वन हो जाएगा, हो जाएगा माइनस टेन कॉस एक्स प्लस वाई, सॉरी यहाँ मिस हो रहा है, तो फिक्स कर लेता हूँ ना, हो जाएगा माइनस टेन कॉस एक्स प्लस वाई तो रहेगा, रहेगा, फिर अपन एक्स वाई का लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का, तो इसका हो जाएगा वन प्लस जीरो, तो हो जाएगा माइनस टेन कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। उसी तरह से एफ जेड लिखेंगे तो माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड, तो डेल अपॉन डेल डेल जेड, और यू का वैल्यू क्या है, माइनस टेन साइन था ना, माइनस टेन साइन एक्स प्लस वाई, तो यहां तो जेड के रिस्पेक्ट में करना है, बाकी टर्म तो सब कांस्टेंट हो गए, तो एफ जेड आ गया, तो अच्छा यहाँ लिखना है माइनस टेन बाहर हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा, नहीं ये तो सभी कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना भाई, देखो जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसमें क्या है एक्स और वाई का टर्म है, तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड वाला टर्म ही वेरिएबल होगा, बाकी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये सभी कॉन्स्टेंट हो गया, सभी कॉन्स्टेंट का वैल्यू जीरो, तो एफ जेड जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, जो है। हमको क्या करना है, किस पॉइंट पर हमको निकालना है, हमको निकालना है 0 पाई बाई 4 पर, है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे एफ इजल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई, जो जेड तो जीरो ही है, उसको लेने की जरूरत है, एफ एक्स का वैल्यू हमने निकाला है क्या है, माइनस टेन कॉस एक्स प्लस वाई, सॉरी इनटू आई प्लस एफ वाई क्या है, माइनस टेन साइन एक्स प्लस वाई इनटू जी, तो एट पॉइंट क्या है 0 टू पाई बाई 4, इसी पॉइंट को हमको निकालना, तो जहां जहां एक्स है वहां जीरो रखेंगे, जहां वाई है वहां पाई बाई फोर रखेंगे, तो अगर हम देखें नेक्स्ट पेज पर चलते हैं ना, नेक्स्ट पेज पर, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पेज चले, एफ का वैल्यू जो आएगा माइनस टेन कॉस एक्स का वैल्यू तो जीरो, वाई का वैल्यू पाई बाई फोर इंटू आई, और माइनस टेन कॉस है ना 0 प्लस पाई बाई 4 इंटू जे, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस टेन कॉस पाई बाई फोर इंटू आई माइनस टेन कॉस पाई बाई फोर इंटू जे,
हो जाएगा माइनस 10 कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू हो जाएगा रूट टू इंटू आई माइनस 10 अपॉन रूट टू जी, यही आ जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स का जो क्वेश्चन पूछा था ना। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाय द वे हम लोग बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।